इफ्रिक वगैरह की बात हो गई, तो अब हम चलते हैं अपने जो पार्ट वन की अकाउंटिंग है उसके मुताबिक आपके कन्वेंशंस क्या होते हैं और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। जो आपकी अकाउंटिंग है उसमें उसने बताया हुआ है कि आपके पास दो चीजें होती हैं, एक क्या है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं ये इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं। इसमें से एक हिस्सा कहलाता है कॉन्सेप्ट्स एक हिस्सा कहलाता है कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में क्या फर्क होता है जी? कॉन्सेप्ट्स में आपके पास आ जाती हैं अजम्पशंस, एंड कंडीशंस। यानी आपने क्या क्या चीजें एज्यूम करके चलना, जैसे एसेट ज्यादा हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, एसेट कम हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, ये सारा हमें कौन बताता है? कॉन्सेप्ट बताता है। अब कन्वेंशन क्या होता है? ये होता है बेसिकली कस्टम्स और ट्रेडिशंस, कस्टम्स और ट्रेडिशंस। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल जैसे हमारा कंपनी लॉ है 2017 का, वो कहते हैं कि आपने अगर ये बना रहे हो ना, अकाउंट्स बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो आपने क्या करना है, उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट भी साइन करनी है, ऑडिट रिपोर्ट भी लगानी है। तो ये सारा हमें कौन बताएगा? कन्वेंशन बताएगा कि आपने कंट्री के मुताबिक किस तरह काम करना है और टोटल आपने काम कैसे करना है। जो बैकग्राउंड होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हम चलते हैं कन्वेंशंस में। हम हेडिंग देते हैं कॉन्सेप्ट्स के। पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग, पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट का मतलब तो पता होगा, एंटिटी का हम लोग मतलब देख लेते हैं। एंटिटी बेसिकली कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि यार देखो, आपका जो ओनर है ना, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आपने अकाउंटिंग सिर्फ किसकी करनी है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करनी होती है, ओनर की अकाउंटिंग नहीं करनी होती। इसका मतलब क्या है? ये जो ओनर है ये और बिजनेस जो है, ये शॉप जो है इसकी, ये सेम नहीं है। ओनर अलग है और जो शॉप है ये अलग है। ये होता है आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी ओनर अलग, सेपरेट आपकी जो दुकान है वो अलग। घरों के पास जो सी दुकानें होती हैं, अब उसमें कभी कोई बंदा बैठा होता है, कभी कोई बंदा बैठा होता है, तो इससे ही मतलब होता है कि ओनर जो है, ओनर ने कारोबार चलाना होता है बस। असल में जहां पे कारोबार चल रहे हैं, कारोबार किया जा रहा है, वो चीज अलग है और ओनर से अलग होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पे। तो सेकंड है हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, अब ये जो कंसर्न है इसका भी मतलब क्या होता है? बिजनेस ही होता है।
यहाँ पे भी मैं कंसेप्ट नहीं लिख रहा, जैसे भी रिमूव कर देते हैं। अब गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है? द एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज? कारोबारी एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज, द बिजनेस एक्टिविटीज विल कैरी ऑन फॉर इनडेफिनेट पीरियड। हम लोग कॉमन अजम्पशन क्या लेते हैं कि जो कारोबार है हमने वो कभी बंद नहीं करना। अब इसका क्या मतलब है कि हम लोग ये कहेंगे कि हमने मरना कभी भी नहीं है? नहीं, हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए हैं जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है कि जो बिजनेस है वो अलग है, जो मालिक है वो अलग है। तो ये जो बिजनेस है ना, जो दुकान है, ये हमेशा चलती रहेगी। दुकान हमेशा चलती रहेगी, बंदा चाहे मर जाए चाहे जीता रहे, ठीक है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमने क्या देखना है? हमने सिर्फ दुकान को देखना है। अब आ गया हमारे पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जो नोट्स होते हैं कि आपको एज इट इज ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे, तो ये नोट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और ड्राइव के लिंक जो है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा ख्याल है पड़ी होगी, डिस्क्रिप्शन में या बाउट में पड़ी हुई है, वहां से देख लेना। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट किसको कहते हैं? यानी हम लोगों ने सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो पैसे में मैयर कर सकते हैं। ओनली रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस। किसकी आपने अभी भी किसकी सिर्फ रिकॉर्ड करनी है? कारोबार की सिर्फ रिकॉर्ड करनी है। ऑफ बिजनेस विच कैन बी मैयर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल पे चलते हैं इसकी। हमारा जो बिजनेस का ओनर है, ये गया वॉक करने, इसने यहाँ पे दिए 50 रुपए एंट्री फी। क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? हम इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि किसका है? बिजनेस का खर्चा नहीं है, ओनर का खर्चा है। ओनर हमारे से अलग है, कारोबार से ओनर अलग है। हमने सिर्फ किसके खर्चे डील करने होते हैं? बिजनेस के। अब अगला बंदा आया, उसने हमें सैंपल दे दिया कि यार ये आप अपने कारोबार में बेचो, लेकिन सैंपल जो है ये फ्री थे। क्या हम इनको रिकॉर्ड करेंगे? हम इनको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग जब इनको सेल करेंगे तो हम लोग इनको भी ऐसे रिकॉर्ड पैसों के ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन वैसे रिकॉर्ड करेंगे। वो कहाँ से पे रिकॉर्ड करते हैं वो आगे जाके देखेंगे। यानी जीरो है ना, तो इसको हम लोगों ने जीरो पे ही रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा अगर हमारे पास आ गया, हाँ, हमने शॉप खोली, जो शटर था वो ऊपर की है। अब इसको हम लोग जर्नल में लिखेंगे, इसको हम जर्नल में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारा कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन हमने शटर नया बनवाया, न्यू शटर, इस पे पैसे लगे, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको आपके पैसे लगे हैं। सैंपल को भी हमने रिकॉर्ड करना है, इसको रिकॉर्ड किस पे करेंगे? हम जीरो पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसे अभी हमारी माली हालत बदलती है। हम लोग चीजें बेचने के काबिल होते हैं या चीजें देने के काबिल होंगे आगे। इसके बाद एक हमारे पास आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हाँ,
एवरी एंट्री हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कहते हैं जो आपकी डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट है ये इक्वल होना चाहिए, यानी जो आपकी डेबिट साइड है ये हमेशा इक्वल होगी क्रेडिट साइड के। अगर ये चेंज है तो इसका मतलब है आपने अकाउंटिंग में, आपने उसको रिकॉर्ड करने में कोई ना कोई गड़बड़ी की है, कोई ना कोई आपने ठीक से चीज रिकॉर्ड नहीं की। इसके बाद आ गया हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमें? ये कहता है कि यार आपने ना जो अकाउंटिंग पीरियड है, जो आपने टोटल बिजनेस है उसको थोड़ी से हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। से फॉर 1 ईयर जो अमूमी तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है 1 साल, आपने उसको 1 साल में डिवाइड कर लेना है और उसको आपने क्या कह देना है, अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि यार हम लोगों ने साल के बाद देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। अब अगले साल आप क्या करते हो, हम ये कहते हैं कि मैंने 6 महीने बाद देखना है प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों में फर्क तो आया होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला साल का, नीचे वाला 6 महीने का। उसने कहा आपने ये काम नहीं करना, आपने जो पहले वाला साल का लिया तो आपने अगला भी साल का ही लेना है हमेशा। ऐसे नहीं करना कि 6 6 महीने का कर लें, या अगर आप ये कहते हो कि यार मैंने पहले भी 6 महीने का किया, बाद में भी 6 महीने का किया, वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन आपने एक बार सेट कर लिया कि मैंने 1 साल के बाद अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बनाने, तो आपने साल के बाद ही अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। ये नहीं करना होता कि 1 साल दिल किया 1 साल बनाने का, और अगले साल दिल किया 6 6 महीने का बनाने का, तो 6 6 महीने का बना रहा हूँ। इस तरह का काम कभी नहीं करना बस आपने। अब चलते हैं हम मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैचिंग का क्या मतलब होता है? कोई चीज मैच करना, कोई चीज इक्वल करना, या देखना कि कैसे अच्छी लग रही है। आपने अकाउंटिंग में किन चीजों को देखना होता है, एक्सपेंसेस और इनकम को। तो ये इसकी क्या डेफिनेशन होती है, एक्सपेंसेस आर ऑफसेट विद इनकम्स। कहते हैं अगर आपने ये साल का अकाउंटिंग ईयर बनाया, अब आपने इसी साल के सिर्फ एक्सपेंस लिखोगे और इसी साल की इनकम लिखोगे। अगर आपने ऐसा किया कि आपको अगले साल का आपने बिल एडवांस में पे कर दिया, आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये अगले साल की कोई कमाई आपकी एडवांस होगी उसको भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये होता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि आपने 1 साल का जो है, ये जितने भी अकाउंटिंग ईयर आपने जो सेट किया हुआ है, अकाउंटिंग पीरियड जो सेट किया हुआ है, आपने सिर्फ उसी पीरियड के एक्सपेंसेस और उसी पीरियड की इनकम लेनी है। अगर आपने एडवांस में पे किया या पेबल है उसको आपने इधर रिकॉर्ड नहीं करना। अब हम चलते हैं आगे, अगला है हमारे पास रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट।
रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कहता है कि आपके जो रेवेन्यूज हैं, आपकी जो इनकम है, इनकम शेल ओनली बी रिकग्नाइज्ड वंस दे आर अर्न्ड। और इसी तरह एक्सपेंसेस का भी होता है कि जब वो असल में पेएबल या पे हो जाएंगे तब आपने उनको रिकग्नाइज करना होता है। अब अर्न्ड का क्या मतलब है? अर्न्ड का मतलब ये है कि आप इसने कहा कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा कभी भी दूंगा, आप क्या गए आप बिजनेस में, आपने कहा मुझे 100 रुपया मिल गया, 100 रुपया मिल गया कारोबार में ऐड कर दो। नहीं, जब तक आपको वाकई में 100 रुपया मिल नहीं जाता, आपको 100 का ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, आपको 100 का ट्रांसफर हो गया तब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ये होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आराम सही से समझना चाहें। ये है एक बंदा, ये है दूसरा बंदा। ये कहता है कि यार अगर बारिश होती है ना, ये बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो मैं आपको 1,000 पे करूंगा। आपने कहा वाह वाह बारिश होगी, 1,000 मिलेगा, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन अगले दिन बारिश होगी। अब वो बंदा आया, उसने आपको 1,000 असल में पे कर दिया। किसको पे किया? आपको उसने असल में 1,000 पे कर दिया। अब आप इसको रिकॉर्ड करोगे, क्यों? क्योंकि बारिश हुई जिसकी वजह से उसकी लायबिलिटी बन गई थी, उसने आपको पैसे पे कर दिए और आपके पास बाकी पैसे पहुंच भी गए, अब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ बारिश होगी लेकिन अभी तक हुई नहीं है ना पैसे मिले, तब आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। लास्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कहते हैं? एन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट यूज्ड टू एक्वायर इट। इसका क्या मतलब होता है? अगले बंदे ने कहा था कि ये जो सी एक प्रिंटिंग मशीन है, ये मैं आपको दूंगा 10,000 की। आपने बार्गेनिंग करवाई, आप इसको ले आए 9,000 की। अब आप इसको रिकॉर्ड किस पे करोगे? आप इसको रिकॉर्ड करोगे 9,000 पे, ठीक है? या इसकी एक और एग्जांपल देते हैं। आपने मशीन ली 1 लाख की, इसके अंदर आपने 20,000 का और खर्चा किया कि भाई सेटअप सेटअप वगैरह करना है, सारा काम करना है। अब आप इसको रिकॉर्ड कितना करोगे? 1 लाख? नहीं, अब आप इसको रिकॉर्ड करोगे 1,20,000 का, क्योंकि अब आपने एक्विजिशन में, यानी जितने पैसे आपने टोटल खर्च किए हैं मशीन को अपने तक लाने में, उसको काम पे लगाने के में, वो टोटल कॉस्ट आती है कॉस्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक, कि जितना आपने एसेट को अपनी दुकान पे लेके उसको इस्तेमाल के काबिल रख बनाया, वो सारी जितने भी आपने खर्चे किए हैं वो सारे किस में आएंगे? आपके कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आएंगे। चलें जी, बाकी अब हमारे रह गए कन्वेंशंस, वो अगले लेक्चर में देखेंगे।